नज़ारे देख सकते हो आप लोग। सुबह का मौसम है, पहाड़ों में देखिए बादल इस प्रकार से एकदम क्लाउडी हो चुका है, बहुत ही ऑसम। बस देख सकते हो भाई लोग अपने पुल में उतर गए हैं, बाकी के भाई लोग सोए हैं, उनको सोने देते हैं। देखो देखिए डॉक्टर डेविड, सारे भाई लोग वापस से एंजॉय करने आए हैं। देखिए पुल में साहिल भाई, देखिए जंप लगा रहे हो पूल में। लंच में आज है बिरयानी, चिकन बिरयानी और ग्रीन चिकन है और साथ में सैलेड है। देख सकते हैं वेदांत फार्म हाउस के ओनर है और उनके साथ ये समझो दोनों ही ओनर है, तो उनसे जानते हैं वेदांत फार्म हाउस के बारे में। सो गाइस अभी बजे सुबह बोलो या रात बोलो, ऑलमोस्ट 3 बज गए। माहौल पार्टी वाला एकदम जोरों शोरों से था, सारे भाइयों ने अपने इंजॉय किया है। तो करते हैं इस ब्लॉग को यहीं पे एंड। अगर आज का ब्लॉग आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं कल ऐसे एक नेक्स्ट वीडियो में। गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो अभी बजे सुबह के ऑलमोस्ट 8 और मेरे पीछे आप नज़ारे देख सकते हो, बहुत बढ़िया नज़ारे। अभी फ्रेश नहीं हुए क्योंकि पूल में थोड़ा इंजॉय करेंगे। चलिए पूल में एंजॉय करते हैं, चाय ब्रेकफास्ट करते हैं, नाश्ता करते हैं, फिर उसके बाद आपसे मिलता हूँ मैं। सो गाइस देख सकते हो सुबह बहुत बढ़िया मौसम है, बहुत बढ़िया। रात की पार्टी अपनी ऑलमोस्ट 2 बजे तक चल रही थी, 2 बजे के बाद सोने गए हम लोग सारे भाई लोग। तो सोने के बाद अभी नींद खुल चुकी है, अभी दिखाते हैं आपको सारे नज़ारे सारे चीज़ें। चलिए चलते, अभी फ्रेश वगैरह नहीं हुए। तो गाइस नज़ारे देख सकते हो आप लोग। सुबह का मौसम है, पहाड़ों में देखिए बादल इस प्रकार से एकदम क्लाउडी हो चुका है, बहुत ही ऑसम लग रहा है नज़ारे। एक आपको व्यू दिखा रहा हूँ 360, इस प्रकार से देखिए सुबह सुबह पूरा। बारिश तो ऑलमोस्ट रुक गई है, रात में बहुत सारी बारिश हो गई, बहुत सारी बारिश में मज़ा आया बहुत फार्म हाउस पे। एक बार नज़ारे देख सकते हो, पहाड़ों से घिरा है, फॉग देखिए, फॉग बहुत बढ़िया फॉग है, पहाड़ों में घिरा हुआ फॉग है। तो अगर वेदांत फार्म हाउस आ रहे हो ना तो बहुत सारा एंजॉयमेंट किया गाइस, बहुत सारा मज़ा आया। तो चलिए एक बार नज़ारे एंजॉय कीजिए। तो गाइस जो वेदांत फार्म हाउस है ना, 4.5 एकड़ में घेरा हुआ है और सारे फार्मिंग में ना, ये फार्म हाउस में आम के पेड़ लगे, आम के बगीचे कम से कम 200 से 300 आम के पेड़ लगाए हुए हैं। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया मौसम है, वेदर बहुत अच्छा है, बहुत सारी शांति आप देख सकते हो। पहाड़ के साथ देखिए आसमान, देखिए एकदम स्काई ब्लू तो नहीं बोल सकते हैं, फॉग से घेरा हुआ है, लेकिन बहुत बढ़िया मौसम है यहाँ पे। अगर आप कभी आते हो ना एंजॉय करने के लिए तो आप बहुत सारी एंजॉय कर सकते हो। तो प्लान बनाइए दोस्तों के साथ और वेदांत फार्म हाउस ज़रूर आइए। सो गाइस देख सकते हो पहाड़ और छोटा सा गांव है पहाड़ों के बीच में, बहुत शांति है, बहुत पीस है, एकदम से शांति सा माहौल है, कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं है आपको, कोई परेशान करने वाला नहीं यहाँ पे। देखिए एक बार नज़ारा, फार्म हाउस के ओनर आते हैं तो आज उनसे भी आपको मिलाऊंगा, सारी चीज़ें आपके साथ शेयर करूंगा, पर पर्सन क्या चार्ज लेते हो, उसके साथ खाना भी इंक्लूड है, ब्रेकफास्ट है, स्नैक्स है, चाय है, जो भी सारी चीज़ें आपके साथ शेयर करूंगा। तो चलिए अभी पूल इंजॉय करते हैं। तो गाइस देख सकते हो भाई लोग अपने पूल में उतर गए हैं, बाकी के भाई लोग सोए हैं, उनको सोने देते हैं। देखिए इस प्रकार
सारे भाई लोग अपने आए पूल में एंजॉय करने, मैं भी पूल एंजॉय करता हूँ। मिलता हूँ आपको थोड़ी देर बाद। सो गाइस देख सकते हो ब्रेकफास्ट अपना हो चुका है, सारे भाई लोग वापस से पूल एंजॉय करने आए। डॉक्टर को देखिए, डॉक्टर डेविड, सारे भाई लोग वापस से एंजॉय करने आए हैं। देखिए पूल में साहिल भाई, देखिए जंप लगा रहे हो पूल में। तो गाइस देख सकते हो अपने भाई लोग पूल में एंजॉय कर रहे हैं। स्टार्ट। सो गाइस देख सकते हो सारे भाई लोग अपने पूल में से निकलने के बाद, अभी लंच टाइम हुआ है, तो लंच में आज है बिरयानी, चिकन बिरयानी और ग्रीन चिकन है और साथ में सैलेड है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और मज़ा लेते हैं बिरयानी का। वेदांत फार्म हाउस का एक खाना है, तो चलिए खाते हैं, एंजॉय करते हैं। सो गाइस अपन अभी निकल रहे वेदांत फार्म हाउस से, जा रहे घर की तरफ। अपना जो स्टे था बहुत ही बढ़िया था, तो आपको मिलाता है वेदांत फार्म हाउस के ओनर से। तो गाइस देख सकते हैं वेदांत फार्म हाउस के ओनर है और उनके साथ ये समझो दोनों ही ओनर है, तो उनसे जानते हैं वेदांत फार्म हाउस के बारे में, तो डिटेल सांग। हेलो नमस्ते, मेरा नाम प्रवीण तोड़कर, मेरी कलीग है सुरेश वामन, ज़्यादा करके फार्म हाउस का रिस्पॉन्सिबिलिटी सुरेश वामन जी देखते हैं। ये हमारा फार्म हाउस एक ऐसे एक लोकेशन पर है, यहाँ एक कल्याण नगर हाईवे पे मुरबाड़ करके गांव है, मुरबाड़ से आगे अगर आप आते हैं तो सरलगाँव करके है, सरलगाँव से आपको राइट लेके कलम्बे करके गांव है, कलम्बे गांव में ये फार्म हाउस है। हमारा फार्म हाउस का लोकेशन इतना बढ़िया है कि बाकी का यहाँ पे तीन चार जगह एक ऐसा एक विजिटिंग प्लेसेस है, एक देवकृषि आश्रम है, एक पाडाले डैम है, एक अपना नवनाथगढ़ में से कौन सा अपना ये मचिंद्रगढ़ गोरखगढ़ है ओके, और एक यहाँ पे एक गाँव देवी का एक बड़ा मंदिर भी है, और एक दूसरे का यहाँ एक देवकृषि आश्रम जो है वहाँ से भीमाशंकर का अभयारण्य स्टार्ट होता है, और हमारे बाजू में भी एक कलम्बे हमारा एक जंगल सफारी का एक छोटा सा स्पॉट है, तो ऐसे बढ़िया स्पॉट है। तो आप जरूर एक बार हमारे फार्म हाउस पे एक बार विजिट करना, ये है रिक्वेस्ट है ओके। तो गाइस तो एक बार व्यू देख सकते हो, बढ़िया है जैसे सर ने बताया, तो बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे एक्सप्लोर करने के लिए, तो एक बार वेदांत होम स्टे में जरूर। तो गाइस फाइनली अपन निकल चुके हैं अपने फार्म हाउस से, भाई लोगों ने बहुत सारा एंजॉय किया, तो देखिए एक एक भाई निकल रहा है, तो चलिए उनका एक शॉट लेते हैं। फुल एंजॉय किया वेदांत होम स्टे फार्मिंग। सो गाइस फाइनली जो वेदांत फार्म हाउस का जो ट्रिप था अपन कर रहे हैं एक ख़त्म। बहुत सारा एंजॉय किया, बहुत सारा मज़ा लिया, देख सकते हो अपने भाई लोग, सारे भाई लोग खुश हो गए हैं। तो चलिए करते इस ब्लॉग को यहीं पे ख़त्म। अगर आपको ये सीरीज़ अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं ऐसे एक नेक्स्ट वीडियो में, ओके बाय। तो गाइस आपको ये सीरीज़ कैसी लगी, अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। तो फार्म हाउस पे हम लोग बहुत एंजॉय किए, बहुत मस्ती किए, धमाल किए, खाने से लेके सारी चीज़ें अवेलेबल थी, तो बहुत सारा मज़ा लिया, आनंद लिया। तो एक बार आप ज़रूर आइए वेदांत फार्म में, बहुत बढ़िया है। चलिए करते इस ब्लॉग को यहीं पे। Yeah.
गाइस निकल चुके हैं अपन अपने घर की ओर। रास्ते तो सेम है, इसके लिए रास्ते पे कुछ नहीं दिखाऊंगा। करते हैं ब्लॉग को यहीं पे ख़त्म। अगर आपको ये ब्लॉग अच्छे लगे रहेंगे तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। अगर चैनल पे नहीं हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर। तो मिलते हैं ऐसे नेक्स्ट वीडियो। आज की मजदूरी यही खत्म करते हैं। अगर तुम्हें वीडियो पसंद आए तो लाइक मारो यार। मुझे नहीं पता, मुझे 2 मिलियन लाइक्स चाहिए कैसे ना कैसे करके। मुझे चाहिए, इतना झिला मैं कभी नहीं हूंगा अपनी पूरी जिंदगी में जितना इसमें झिला हूं। मुझे चाहिए ही चाहिए, तो लाइक मारो। और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। अब मैं भी जा रहा हूं, मुझे पैसों के पीछे भागना है। बाय।